मुंबई की तरफ बढ़ रहे हजारों किसानों की पदयात्रा जारी है। इस मार्च में अब तक 40,000 से ज़्यादा किसान जुड़ चुके हैं। किसानों का ये मार्च थाने पहुंच गया है। किसानों के इस काफिले में किसानों के शामिल होने का सिलसिला जारी है। 12 मार्च को ये किसान मुंबई में विधानसभा का घेराव करेंगे। हाथों में झंडे लिए नासिक से चले किसान मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं। 6 मार्च की शाम को नासिक से शुरू हुआ किसानों का ये मार्च अब ठाणे पहुंच गया है। ऑल इंडिया किसान सभा की अगुवाई में महाराष्ट्र के कोने कोने से शामिल किसान पूर्ण कर्ज माफी, बिजली माफी, एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से तय करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का लॉन्ग मार्च मुंबई की तरफ लगातार बढ़ रहा है। हालांकि कुछ किसानों की तबीयत भी खराब हुई है, लेकिन मार्च जारी है। रास्ते में बड़ी संख्या में किसान उनसे जुड़ते जा रहे हैं। किसान वही मांग कर रहे हैं जिसको लेकर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं देश के कई हिस्सों के किसान परेशान हैं। ऑल इंडिया किसान सभा ने दावा किया है कि 12 मार्च तक जुड़ने वाले किसानों की संख्या करीब 60,000 तक पहुँच जाएगी। फिलहाल इस मार्च में करीब 40,000 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। किसानों के अलावा इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इन्हीं किसानों ने बीते साल जून में 11 दिनों की ऐतिहासिक हड़ताल की थी। तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्ज माफी की मांग मान ली थी, लेकिन बाद में शर्तें लगाकर वादा खिलाफी कर दी, जिससे नाराज किसानों ने पदयात्रा कर राज्य की फडणवीस सरकार को झुकाने के लिए 12 मार्च को मुंबई विधानसभा घेरने का फैसला किया है। ये जो है अभी जो मोर्चा है वो इतिहास पूर्वक है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये पूरी जो फौज जा रही है लाल, ये फौज अभी वापस नहीं आएगी। जब तक हम के ये मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम वापस नहीं आएंगे। चाहे हमको शहीद होना पड़े, शहीद जेल में जाना पड़े हो, और या तो हमें लाठी खाने हो, हम ही वापस जाने वाले नहीं है। ऑल इंडिया किसान सभा की मांग है कि सुपर हाईवे और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया है। किसान इसके मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने आम बजट में 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया है, पर दूसरी तरफ किसानों की उपज के भी सही दाम मिलने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। आरुषि पुंडी, गो न्यूज़।